ये वाला बंदा सेल में है, अगर आप बोर्ड रोकर परचेस करोगे तो मैं इसको भेज दूंगा आपके घर में एक दिन के लिए, एक दिन के लिए इसको आप फ्री में प्यार कर सकते हो, स्टाइल बना सकते हो, फोटो खिंचवा सकते हो, आप मॉडलिंग कर सकते हो इसके साथ। एक दिन के बाद घर जा बाबा तेरा नमस्ते करके मुझे घर में भेज दो। और ये वाला जो मैं हेडफोन यूज़ करता हूँ दोस्तों, कभी भी ये मुझे बहुत ही सताता रहता है, गाना सुनाओ करके मेरे जो है बहुत ही सताता रहता है, तो मैं यूज़ करने के टाइम पे इसको यूज़ करना है। तो वही है, अगर आप नया हेडफोन परचेस करोगे तो इसको लेके जाओ, एक दिन यूज़ कराओ, इसको एक दिन सुनाओ, उसके बाद मुझे भेज दो। तो दोस्तों आज का जो दिन है बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए, मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये जो आइटम है परचेस मैं करूँ, मगर जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि मेरे पास इतना ख़राब हालत है कि इसको मैं परचेस करने का दिल भी रहेगा तो मैं कर नहीं सकता। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैंने जो भी कुछ परचेस करता हूँ, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आता है उसमें से जो भी कुछ मेरा ज़िंदगी में ज़रूरत रहता है उसको मैं परचेस करता हूँ। दोस्तों ये है बॉक्स, उस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, उसके अंदर जो भी कुछ चीज़ है निकलेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेजन से दोस्तों जो भी कुछ थैंक यू बोनस आने वाला था वो हमें मिल गया है, और थैंक यू बोनस का जो अमाउंट था वो था 1270। बल्कि दोस्तों मैंने जितना सारे आइटम मंगाया है, 4 आइटम मंगाया है और भी आइटम आने वाला है, तो 3000 के करीब करीब मेरा जो है परचेस ही हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरा खास ज़रूरत था, जो मेरा गर्लफ्रेंड हो सकते हो बोल सकते हो, जो मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था, जिसके खातिर मेरे को काम भी नहीं हो पाता था, तो ऐसा हालत में था और उसको मैं बहुत दिन से चाह रहा था, उसको मैं पाने का बहुत ही कोशिश कर रहा था, वो है मेरा, उसको सस्पेंड रखते हैं। हम पहले बॉक्स को काटते हैं, निकालते हैं उस चीज़ को, बाद में दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है वो बॉक्स जो मिस्टीरियस बॉक्स है, इसके अंदर 2 प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट को हम यहाँ पे आज अनबॉक्सिंग करने वाला है, वीडियो बनाने वाला है, उसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो बॉक्स है इसको हम काट कर लेते हैं। एंड व्हाट इज दिस यार, ये क्या गार्बेज डाल दिया है, चलो निकालो दो। और ये है वो चीज़ जैसे कि आप देख सकती हो, और टैंग टैंग। और ये है वो चीज़ जिसके लिए मुझे बहुत दिन से तरसता था मैं, और जो मेरे को होना चाहिए था। और ये क्या, कार्तिक आर्यन इधर भी है। तो ये जो भी कुछ था दोस्तों हमने यहाँ पे साइड को कट दिया है। और चलिए ये जो चीज़ है ये क्या है, ये है बोट स्पोर्ट्स रॉकर्स 255 वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट। और इसका अगर आपने रेटिंग देखोगे, अगर आपने मेरा वेबसाइट में देखोगे या फिर अमेजन की वेबसाइट में देखोगे इतना इसका कितना रेटिंग्स है, तो इसका मतलब है कि कितने सारे आदमी ने इसको प्राउडली परचेस किया है, बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं भी दोस्तों रिकमेंड करता हूँ इस हेडफोन को, आप भी जाए और इसको परचेस करें। जो भी कुछ लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कुछ इनका फेसबुक का जो पेजेस है इसका लिंक है, पैकेज कॉन्टेंट्स क्या है, इन ईयर एयरफोन, USB चार्जिंग केबल, मैनुअल। यहाँ पर चार्जिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप देख सकते हो। और नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर दिखाया गया है इमेजिन इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाई इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब कुछ है, देख सकते हो इसका जो MRP है 2990 है। ऊपर की तरफ से दोस्तों इस तरीके से दिखता है, और अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से नजर आता है। ब्लूटूथ वर्सन 4.1 हाई डेफिनेशन साउंड स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस। तो स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, देखते हैं हम एक बार बारिश में यूज करके, मेरे हिसाब से तो जाने वाला है। चलिए तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और इसको हम इस तरीके से काटते हैं। चलो जी गुड। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको इस तरीके से निकालते हैं मेरा गर्लफ्रेंड को। तो ये बॉक्स है इसको हम साइड में रखते हैं, और ये जो है बॉक्स के अंदर से निकला है चार्जिंग केबल, और यहाँ पे इसके अंदर 4 बार्स एक्स्ट्रा दिया है इन लोगों ने। और ये जो है दोस्तों यूज़र मैनुअल है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बोट लैक्मे फैशन वीक। तो ये क्या चीज़ है, नेक्सा कंपनी का ब्रांडिंग है। तो चलो इसको हम साइड में रखते हैं, और जो मेन चीज़ है यहाँ पे इसको हम देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इधर पीछे की तरफ मुड़ा गया है, फोल्ड करके रखा है इन लोगों ने, और ये हम निकालते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये जो बहुत ही प्रीमियम ब्रांड के, मतलब प्रीमियम दिख रहा है ये, ठीक है चलिए इसको भी साइड रखते हैं। और ये है वो चीज़, ये तो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है मगर उतना टाइट नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो नेक बैंड है ये अगर थोड़ा सा टाइट होता था, थोड़ा सा हार्ड होता था, बहुत ही अच्छा लगता था। बट ये जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, अगर आप देखोगे इस तरीके से फ्लेक्सिबल बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं, और यहाँ पे अगर मैं दिखने की कोशिश करूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मैट फिनिशिंग है, रबर टच दिया गया है, रबर टच के साथ साथ मैट फिनिशिंग है, तो बहुत ही अच्छा एक लुक दे रहा है, दिख रहा है।
और यहाँ पे है बोट का BOAT बोट का लोगो, और यहाँ पे बोट का लोगो है। अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो पीछे का तरफ इसका भी यहाँ पे बोट का लोगो दिया गया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड। और अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो है प्लस साइन दिया गया है, ये जो है माइनस साइन, एंड ये जो है पॉज साइन। और इधर की तरफ आपको दिखा हुआ यहाँ पे है ये चार्जिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जो कलर गया आया है, मुझे मैंने रेड मंगाया था क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था रेड कलर अमेजन के वेबसाइट में। बाकी दोस्तों ये ग्रीन कलर भी है जो बहुत ही अच्छा कलर देखने को आता है, बट यहाँ पे ये जो वायर है बहुत ही अच्छा फीलिंग है, लुक भी है। चलो यहाँ पे आता है आपको ये देखो, ये जो है मैग्नेट। और मैग्नेट का अगर मैं डिस्टेंस का देखूँ तो इतना सारे डिस्टेंस ये कैच करता है, आप देख सकते हो हाफ इंचेस के डिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो है बोट का लोगो हेडफोन का पीछे। और ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा एक प्रीमियम लुक है, स्टील का फिनिशिंग है, मेटल बॉडी है ये हेडफोन का, तो बहुत ही अच्छा एक लुक दे रहा है। और मैग्नेटिंग जो है ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन देखने को मिलता है, बोट की तरफ से कॉलर वाला हेडफोन जो मैंने ख़रीदा है, मेरा अमेजन थैंक यू बोना जो आया है उससे पैसे से ख़रीदा है, मगर इसका जो रेट पड़ा है बहुत ही ज़्यादा पड़ा है, 1499 पड़ा है इसका रेट। तो बस दोस्तों मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ इस अनबॉक्सिंग वाला पार्ट को, और मैं इसको अभी यूज़ करता हूँ 2 दिन के लिए। 7 दिन का इसका रिटर्न पॉलिसी है, एक्सचेंज पॉलिसी है, तो 7 दिन तक मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसका जो पूरा के पूरा ओवरव्यू है, बेस अच्छा है या फिर इसका जो साउंड क्वालिटी अच्छा है, माइक क्वालिटी अच्छा है, ब्लूटूथ का जो डिस्टेंस है वो अच्छा है, जो भी कुछ है दोस्तों मैं इसका पूरा के पूरा ओवरव्यू में देने वाला हूँ 2 दिन के बाद। तो चलिए मिलते हैं 2 दिन के बाद। वो अब देखोगे ये वाला वीडियो जिसको मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, और वो जो वीडियो है मैं शूटिंग किया था, ये जो है देख सकती हो 1 अगस्त 2020, देख सकते हो 01/08/2020। तो 1 अगस्त का वीडियो आज मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे आज का जो डेट है 11 अगस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये जो हेडफोन है इसको मैं 10 दिन तक परफेक्ट यूज़ किया। 10 दिन तक परफेक्ट यूज़ करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आ गया है 10 दिन के बाद इसका रिव्यू देने के लिए। तो एक्चुअली जो बात है, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, ज़्यादा दिन तक यूज़ करने के बाद इसका जो रिव्यू होता है मैं देने वाला था। और एक्चुअली जो बात है, इसका जो 7 दिन का जो रिटर्न वाला पॉलिसी है वो एंड हो गया है 7 अगस्त को, तो मैं इसको अभी एक्सचेंज भी नहीं कर सकता, रिटर्न भी नहीं कर सकता, तो इस तरीके से प्रॉब्लम है। चलो अभी क्या है, मैंने ये जो परचेस किया था अगस्त से पहले, जुलाई के लास्ट में परचेस किया था, और इसका जो मेन वीडियो पार्ट बनाया था 1 अगस्त को। तो यहाँ पे क्या है, जो मैं लास्ट का 2 दिन में देखा कि जो प्राइम सेल चल रहा था अमेजन में, तो प्राइम सेल अमेजन में इसका जो रेट है बहुत ही कम हो गया था। अगर आप देखोगे, अगर आप नोटिस किए होंगे, 999 इसका परचेस रेट हो गया था, 1499 में इसको मैं परचेस किया था। तो अगर आप इसको परचेस करना है, कभी ना कभी इसको चेक करते रहो, और जब यहाँ पे अमेजन में सेल चलता है उस समय में रेट बहुत ही कम हो जाता है। चलो जो भी कुछ क्वेश्चंस मेरा दिल में था मैं आपको लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो जो है ये आप देख सकते हो, ये जो वाला पार्ट है, सबसे पहली बात तो है अगर आप देखोगे ये जो मेरा कान है, ये डालने के बाद ये इसको इस तरीके से घुमाओगे तो कान का जो अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है ये यहाँ पे फिट हो जाता है। अगर मैं आपको शायद दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देखोगे तो इसको इस तरीके से डालने के बाद ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है अपने कान के अंदर इस तरीके से फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये गिरने का या फिर निकलने का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, मगर सिंपल सा क्या है, अगर आप इसको डालोगे, पार्ट्स को डालोगे तो निकलने का चांसेस रहता है, मगर ये वाला जो पार्ट है अपने कान के अंदर इस तरीके से फिक्स हो जाता है और निकलने का चांस भी नहीं रहता है। और अगर आप इस तरीके से जो पार्ट्स इसके अंदर डाल दोगे, अपना पार्ट्स जो है एकदम फिक्स्ड हो जाएगा, और क्या है आप बाहर से कुछ भी आवाज़ सुनने नहीं पाओगे। तो जैसे कि मैं बात करूँ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे कान में डाल दूँ और इस तरीके से मैं अगर बात कर पाऊँ, तो मुझे जो है बाहर का नॉइज़ कुछ भी नहीं दिख रहा है कुछ भी। अगर आप यहाँ पे ज़ोर से गाना भी चलाओ या फिर जो भी कुछ करो, या फिर कोई भी मेरा पीछे से गाड़ी का हॉर्न मार रहा है, उसका साउंड मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, और एक बहुत ही बड़ा अच्छा ही हो सकता है, पॉजिटिविटी हो सकता है, जिन लोग गाना को यूज़ करते हो, गाना सुनते हो, जिन लोग गाना का दीवाना हो। तो ऐसे में अगर आप घर में बंद करके, अपने आपको बंद करके अगर गाना सुनते हो, कोई भी बाहर से आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, नॉइज़ एकदम भी नहीं आएगा, तो एक बहुत ही बड़ी बात है। मगर आप बाहर में रोड में चलोगे तो इस टाइम में क्या होगा, अगर आपका कान में इस तरीके का साउंड है, मतलब आप देख सकते हो, अगर आप कान पूरा बंद हो जाएगा तो बाहर से आपका कोई आपको गाड़ी में हॉर्न भी देगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो इस तरीके से बहुत ही प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। जो बात था कि बारिश का एंड जो स्वेट रेजिस्टेंस का था, देखो यार बारिश में मैं 2-3 बार यूज़ किया और मैं डायरेक्ट इसको बारिश गिराने नहीं दिया। जैसे कि मैं इसको इस तरीके से यूज़ करता था, और मेरा जो
रेनकोट है वो मैं इसके ऊपर डाल देता था, तो डायरेक्ट बारिश में इसके ऊपर नहीं पड़ा था। और डायरेक्ट बारिश अगर इसके ऊपर पड़ता था तो यूज़र मैनुअल जो बुक है उसके ऊपर लिखा है कि इसका जो वारंटी इस तरीके से नहीं है, वारंटी वायर हो जाता है, तो डायरेक्ट बारिश के ऊपर गिराना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, बात है सिंपल सा स्वेट है, सिंपल सा थोड़ा सा बारिश है, थोड़ा सा बारिश का बूंद है, वो इसको सही कर लेगा। मगर आप देखोगे यहाँ पे जो साउंड कमाने बढ़ाने का बटन है, इसके अंदर बारिश गिर जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, आप फेस कर सकते हो। सिंपल सा ये बात ध्यान में रख लो, ये तो वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। चलिए दूसरा बात जो है, गाने का जो साउंड है, गाने का जो बेस है, बेस है और जो साउंड है इतना मस्त है दोस्तों, मैंने आज तक जो भी ईयरफोन्स यूज़ किया सिंपल सा, उससे कई गुना बेहतर है, 100 times बेहतर है। और मैं अगर बताना चाहूँगा इसको अगर रेटिंग देने का, तो मैं इसको 5 में से 10 रेटिंग देने वाला हूँ इसका साउंड के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे सिंपल से अगर मैं कोई गाना चलाऊँ जो इसमें कुछ भी बेस भी नहीं है, कुछ भी मतलब ढिंचक जो वाला, मतलब जो एक एक्सपीरियंस है बॉक्स का एक्सपीरियंस है वो भी नहीं है, तभी इसका जो साउंड है इसके अंदर जो इको होता, मतलब जो भी कुछ है एक गाना के अंदर, आप जो भी सुनना चाहते हो बेस और जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, जो भी कुछ है, अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो आपको मालूम ही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो एकदम कान के अंदर आपको लग रहेगा, लगेगा कि बहुत ही बड़ा बॉक्स जो होता है ना, जो अपने गांव में अपने मोहल्ले में अगर आप कोई भी फंक्शन के टाइम पे एक बॉक्स चलाते हो तो उस बॉक्स के अंदर से जो साउंड आता है ढिंचक जो भी कुछ साउंड आता है वो पूरा के पूरा साउंड आप मतलब महसूस करोगे अगर आपने ये अपना कान के अंदर डाल दिया तो। अपना कान के अंदर डाल दोगे और एक बहुत ही बड़ा बॉक्स का जो साउंड है, मतलब जो भी बैस है, जो भी कुछ है उसके अंदर आप महसूस करोगे सिंपल से गाना के अंदर, अगर चाहे उस गाने के अंदर वो वाला बैस भी नहीं है। और अगर कोई ऐसा कुछ गाना है जिसके अंदर मतलब बैस जो भी कुछ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही दोस्तों, अगर कोई रिमिक्स गाना यूज़ कर रहे हो तो आप बोल नहीं सकते, उसका इतना मज़ा आपको आने वाला है। और बात करें दोस्तों ब्लूटूथ यूज़ का, ब्लूटूथ डिस्टेंस का, या फिर जो भी कुछ, अगर मैं ब्लूटूथ की डिस्टेंस में जाऊँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है साउंड सुनने में, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है अब तक दोस्तों। मैं यहाँ पे जेब में रखा हूँ फ़ोन को, जेब में रखा हूँ, घुमा हूँ इधर उधर, कुछ भी साउंड नहीं आया है। बहुत ही क्राउड प्लेस में घुमा हूँ, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। मार्केटिंग एरिया में गया हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी मैं फ़ोन को जो है अपना घर में रखता हूँ और मैं बाहर जाकर शूटिंग करता हूँ, इधर से जाके रोड में 20 feet तक इसका भी आवाज़ सुनाई देता है, और विदाउट एनी प्रॉब्लम इन ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ का जो डिस्टेंस है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है इसके अंदर देखोगे। बाकी अगर कोई भी ब्लूटूथ का डिस्टेंस है, अगर आप वायरलेस का जो रिव्यू देखोगे अमेजन में, जो भी कुछ अलग कंपनी, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उसका अगर देखोगे बहुत कुछ प्रॉब्लम है, मगर इस तरीके ये जो हेडफोन है इसमें आपको जो डिस्टेंस का बहुत ही ख्याल रखा गया है। अगर आपका फ़ोन इधर रखा गया है और अगर आप दूर भी चले जाओगे 10-15 feet दूर भी चले जाओगे तभी आपका जो है साउंड एकदम क्लियर से क्लियर आएगा। कॉल करोगे तो भी कॉल भी काट नहीं होगा, कॉल भी एकदम बहुत ही 100% आपका ये एक्सपीरियंस है। तीन चार दोस्त लोगों के पास ये वाला जो हेडफोन है बोट का 255 जो ये वाला मॉडल है, बहुत सारे लोगों के पास है। और मैं देखा हूँ उन लोगों को कि उन लोगों में पूछा हूँ पर्सनली कि कितने से यूज़ कर रहे हो, एक बंदा बोल रहा है मैं 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, एक बंदा बोल रहा है मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उनको मैं पूछा है क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग बोला है एकदम 100% श्योर है, आराम से ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा हूँ। तो ये है। चलो दूसरा जो बात है, सबसे बड़ी मेन बात है मैं समझता हूँ, इसमें बैटरी बैकअप कितना आता है। तो बैटरी बैकअप का बात करें दोस्तों, अगर आप चार्ज में लगाओगे, मतलब मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर 5-10 मिनट भी चार्ज लगाओगे ये जो है आपको 2-3 घंटे तक बैकअप देता है, मैं देखा हूँ, ये मेरा फैक्ट है। तो 10-15 मिनट तक अगर आप चार्ज में लगा देगे तो ये 1-2 घंटे तक आपको बैकअप देगा, अगर आप गाना सुन सकते हो, कॉल भी बात कर सकते हो। जरूर से जरूर ध्यान रखें दोस्तों, आप जो है डायरेक्ट चार्जर से इसको कनेक्ट मत करें, तो ये यूज़र मैनुअल में दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, शायद बैटरी का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो जरूर से जरूर ध्यान रखें, अपना जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है या फिर पावर बैंक है, ये जो वाला डीसी वाला करंट है ना, वो डीसी वाला करंट से इसको यूज़ करें, सिंपल से इसको चार्ज दे डीसी वाला करंट से, मीन्स लैपटॉप डेस्कटॉप या फिर आपका जो पावर बैंक है, डायरेक्ट कभी भी एसी करंट से, मीन्स आपका जो पावर कनेक्शन है वहाँ से इसको चार्जिंग मत दे। मैंने देखा है जब चार्जिंग में लगाता हूँ इसको जो है लाल कलर आता है, रेड कलर का लाइट यहाँ पे फ्लैशिंग होता है, और जब अगर इसका फुल चार्ज हो जाता है तब अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो चार्जिंग एक लाइट है वो फिक्स रहता है, मतलब एक फिक्स होकर जलता है, ठीक है। तो वो फुल चार्ज होने के लिए मैं कभी कभी देखा हूँ 1/2 घंटा, कभी कभी देखा हूँ कि 1-2 घंटा भी लग सकता है। अब देखते रहो इसको, ओवर टाइम चार्ज मत लगाओ तो कभी भी बैटरी का प्रॉब्लम आ सकता है। चार्जिंग में लगाने के टाइम पर आप देख लो इसका फुल टाइम जो चार्ज है येलो, मतलब ब्लू कलर का जो सिग्नल है उसको आने तक, अब इसको डिस्चार्ज कर दो।
यूजेस का बात है कि आप कितना टाइम इसको यूज कर सकते हो। मैंने देखा है फुल चार्ज कर लेने के बाद, 100% चार्ज कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको 8 से 9 घंटा यूज किया, 8 to 9 hours, 10 hours तक भी यूज किया विदाउट एनी कंप्लेंट। आराम से यूज होता है, कुछ भी चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, आप जो है आराम से यूज कर सकते हो, 8 से 9 घंटे तक इसको यूज कर सकते हो। बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है और मैं कभी भी गाना सुनता रहता हूँ दोस्तों, इसके जरिए से गाना सुनता रहता हूँ। मैं जब गाड़ी में ड्राइव करता हूँ कभी भी मैं गाना सुनता रहता हूँ, तो इसके लिए मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। उसके बाद जो कॉल का एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है, कॉल आएगा तो कॉल मतलब उसमें भी बात होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार चार्ज कर लोगे फुल चार्ज तो 8 से 9 घंटा आप आराम से यूज कर सकते हो। बस दोस्तों यही सब कुछ था इस बोट रॉकर्स 255 प्रो हेडफोन के बारे में। मैं समझता हूँ आपका जो भी क्वेश्चंस था, क्वेश्चन रहेगा होगा तो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया हूँ। जो भी कुछ डिटेल रिव्यू है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस है पूछना चाहते हो तो दोस्तों मेरा को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, फीडबैक देके आपका कभी भी कॉमेंट्स देके पूछ सकते हो। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो स्मैश द लाइक बटन। अगर आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में जरूर से जरूर जाओ और इसमें से खरीदो ताकि आपका भाई को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो देखा हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि मैंने देखा है मेरे चैनल में 70-80% ऐसे आदमी ऐसे लोग हैं जिन लोग वीडियो देख के फॉरन चला जाता है, सब्सक्राइब नहीं करते। देखो यार सब्सक्राइब करना फ्री है, 1 रुपया आपको खर्चा नहीं पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। लाल वाला जो बटन है उसको आप दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, लाला कर दो, पीला करो, कोला करो, कुछ भी करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल का घंटी भी दबा दो ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका चैनल में जरूर जरूर अपडेट होते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से नया टॉपिक से नया वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय 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 बाय।